दिया, हमारे वीर जवानों के शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन भारत की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में कई समझौते हुए जिसके तहत 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा LAC पर एक साझा सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चीन ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि पूर्वी लद्दाख में अभी हालात क्या हैं। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने 4 सितंबर को मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और साफ कर दिया कि भारत इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 10 सितंबर को मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और दोनों एक समझौते पर पहुंचे। इसके मुताबिक अगर चीन के द्वारा गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से समझौते को लागू किया जाता है तो सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हो सकता है और सीमा पर शांति स्थापित हो सकती है। भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने हाल के सालों में सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। इसके लिए बजट लगभग 2 गुना कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में काफी सड़कें और पुल बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरिया में के तहत देश भर में 1,14,00,000 लाभार्थियों को घर दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17,00,000 परिवारों को इस योजना से फायदा मिल चुका है। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गृह प्रवेशम में शामिल होंगे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। योजना में लाभार्थियों को 100% अनुदान राशि के रूप में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है जबकि 40% राज्य।